हम राम को एक मिसाल के तौर पर चुनेंगे क्योंकि भारत में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है उनका जन्म एक राजा की तरह हुआ था और उनका राज तिलक होना था लेकिन कुछ विचित्र हालातों की वजह से उन्हें जंगल में जाकर रहना पड़ा अपनी नई दुल्हन के साथ उन्होंने एक युवा स्त्री से शादी की जो एक राजकुमारी थी और महलों में ही पली बड़ी थी लेकिन अब वो इस युवा स्त्री के साथ जंगल में जाकर रहते हैं आजकल किसी बेकार फिल्म में इसे ऐसे दिखाया जाएगा कि वो जंगल में मजे से रह रही हैं। नहीं, आप जंगल में रहकर देखिए आप खुद को चाहे जितना भी खूबसूरत मानती हो आप एक महीना जंगल में जाकर रहिए उसके बाद हम आपको पहचान भी नहीं पाएंगे <laughs> तो ये राजकुमारी जंगल में रहने को मजबूर थी और सौभाग्य से राम के छोटे भाई उनके साथ आए। जानते हुए कि जंगल में वो किस तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं वो अपने खुद के परिवार को छोड़कर अपने भैया भाभी की सेवा करने चल दिए was... मैं दस दिन पहले आंध्र प्रदेश में यात्रा कर रहा था मैं एक छोटे शहर में था एक चौदह साल की स्कूल की लड़की खड़ी होकर पूछती है हाउ इज इट पॉसिबल ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता का अपहरण करके उन्हें श्रीलंका ले जाया गया और राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चले गए यह कैसे हो सकता है क्या यह सच है फिर मैंने उससे पूछा देखो तुम अभी थोड़ी छोटी हो एक दिन अपने लिए तुम एक आदमी ढूंढ लोगी जब तुम एक आदमी खोजती हो तो क्या तुम ऐसा आदमी पाना चाहोगी जो अगर तुम कहीं खो जाती हो तो वो तुम्हें खोजने निकलेगा या वो सोचे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और पड़ोस में दूसरी लड़की ढूंढ ले तुम क्या पसंद करोगी चौदह साल की लड़की भी जानती है कि उसे ऐसा आदमी चाहिए जो पूरा रास्ता तय करेगा फिर so... वो वहां गए कुछ तमिल लोगों को इकट्ठा किया एक सेना तैयार की हाँ हाँ वो एक तमिल सेना थी फिर उन्होंने युद्ध किया श्रीलंका गए पूरे शहर को जला डाला और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को वापस ला पाए इस दौरान उन्होंने कई प्रिय लोगों को खोया लेकिन वो अपनी पत्नी को वापस ले आए लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा से गुजारना पड़ा Whatever, फिर उन्होंने उन्हें अपनी रानी बनाया और देश पर राज्य करने लगे फिर से कुछ राजनैतिक हालात हुए सीता गर्भवती थी उस समय उन्हें सीता को वापस जंगल में भेजना पड़ा सोनोग्राम भी नहीं था तो उन्हें पता नहीं था कि लड़का है या लड़की है या फिर जुड़वा बच्चे हैं या क्या है सीता जंगल चली जाती है और दो जुड़वा लड़कों को जन्म देती है ये जाने बिना कि ये उन्हीं के बेटे हैं राम उनसे युद्ध करते हैं वो उन्हें मार सकते थे ये जाने बिना कि वो उनके ही बच्चे हैं अगर आप किसी तरह संयोग से या अनजाने में अपने ही बच्चों को मार डालते हैं आपके जीवन में इससे बुरी ट्रेजेडी नहीं हो सकती है ना यह सबसे भयंकर चीज होती है वो लगभग ऐसा ही कर बैठे थे लगभग उन्हें मारने ही वाले थे पर सौभाग्य से युद्ध में बच्चों की जान बच गई और फिर सीता ने जंगल में ही प्राण त्याग दिए राम का चेहरा दोबारा देखे बिना क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे नहीं लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें हर चीज में कामयाबी मिली अगर इनमें से कोई एक घटना भी आपके जीवन में हो जाए तो ज्यादातर लोग टूट जाएंगे और सारी जिंदगी कड़वाहट कड़वाहट में बिताएंगे लेकिन चाहे कुछ भी हुआ उनमें कभी नहीं आई वो कभी गुस्सा नहीं हुए उन्होंने कभी नफरत नहीं की उन्होंने सारे जरूरी काम किए उन्होंने युद्ध लड़े लेकिन कभी गुस्सा नहीं हुए कभी नफरत नहीं की कभी अपने जीवन में कड़वाहट नहीं आने दी हालांकि जीवन उनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें उछालता रहा लेकिन वो उनसे ऊपर रहे और हम उसी की पूजा करते हैं क्योंकि असल में आपके जीवन में असल में यही मायने रखता है दुनिया आपकी ओर क्या उछालेगी ये सौ प्रतिशत आपका चुनाव नहीं होता बस कुछ हद तक ही हम इसे काबू कर सकते हैं दुनिया आपके तरफ कुछ भी उछाल सकती है हम नहीं जानते कि यह आप पर क्या उछालेगी आप पर बीमारी उछाल सकती है मौत उछाल सकती है गोलियां बरसा सकती है, आप पर शर्मिंदगी उछाल सकती है हर तरह की चीजें उछाल सकती है लेकिन आप इससे क्या बनाते हैं यह सौ प्रतिशत आपका है अब अगर आप इस एक चीज का जिम्मा ले लेते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आप पर क्या उछालती है उसे आप अपनी खुशहाली में बदल देंगे तब आप जहां भी जाते हैं जिस तरह के हालात में जीते हैं चाहे आप स्वर्ग जाते हैं या नर्क कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसे खुशहाली में बदल देंगे यही वो गुण है जिसकी हम पूजा करते हैं यही गुण पूजने योग्य है क्योंकि यह में से हर किसी के लिए सच है अगर दुनिया बुराई फेंकती है तो आप बुरे बन जाएंगे अगर दुनिया कड़वाहट फेंकती है तो आप कड़वे बन जाएंगे दुनिया गुस्सा फेंकती है तो आप गुस्सा हो जाएंगे ज्यादातर इंसान इसी तरह से जीते हैं क्योंकि वो इन बातों से ऊपर होकर जिए हमने कहा वो भगवान की तरह है लेकिन उनके जीवन में जो हुआ उनके जीवन की भौतिक घटनाओं को अगर आप देखें तो वो एक बड़ी सी ट्रेजेडी है बत्तीस साल की उम्र में आपको सूली पर चढ़ा दिया गया आपकी भयानक मौत हुई क्या आप इसे एक सफल जीवन कहेंगे नहीं लेकिन हम उनके आगे सिर झुकाते हैं क्योंकि शायद हम नहीं जानते लेकिन लोगों ने हमेशा यकीन किया है कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था उन्होंने कहा वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें माफ कर दो उसके लिए हम उनके आगे सिर झुकाते हैं इसलिए नहीं कि वो सूली पर चढ़ाए गए क्योंकि सूली पर चढ़ना कोई सफल जीवन नहीं है, है ना लेकिन अगर आपने उन्हें सूली पर चढ़ाया तो भी उन्होंने अपना गुण नहीं खोया इसी वजह से हम उनके आगे सर झुकाते हैं तो हमारे लिए बस यही मायने रखता है चाहे उनका अस्तित्व था या नहीं वो आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है उनके बारे में कही गई हर चीज चाहे सच हो या ना हो यह भी आपकी समस्या नहीं है आप कोई इतिहासकार नहीं है ठीक है आपको बस कोई हस्ती चाहिए ताकि आप खुद को बेहतर जीवन की ओर ले जाएं। बस इतना ही क्या फर्क पड़ता है कृष्ण थे या नहीं जीसस थे या नहीं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है आज से 2000 साल पहले एक इंसान था या नहीं था या ये बस एक काल्पनिक कहानी है इससे क्या फर्क पड़ता है ये वो गुण है जो मायने रखता है है ना वी हम इन गुणों को महान गुण मानते हैं किसी तरह उनका अनुकरण करना चाहते हैं जिस भी हद तक हो सके हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं